Everyone, today in this video, you are going to discuss regarding many-to-one avatar and many-to-one avatar user widget in Odoo 16. तो ये हमारी Odoo 16 apps है और हम work करें अपने custom module पे. हमारे custom module का नाम है hospital. और इससे पिछली video पे हमने work किया था dynamic tree view in Odoo. और जैसे appointment में जाते हैं हम, यहाँ पे हमने optional यहाँ पे set यहाँ पे किया था. ऑप्शनल हाइट और ऑप्शनल शो. तो जिसको हम इनविजिबल कराना चाहते हैं, जैसे पेशेंट आईडी है, इसको मैं इनविजिबल कराना चाहता हूँ तो इनविजिबल हो जाएगी. अगर मैं विजिबल कराना चाहता हूँ तो यहाँ से इजीली विजिबल यहाँ से हो जाएगी. जैसे एक्टिविटी है, इसको इनविजिबल कराना है तो मुझे ये ईजिली यहाँ से इनविजिबल यहाँ से हो जाएगी. ठीक है, ये हमने किया था. तो आज हम करेंगे मैनी टू वन अवतार एंड मैनी टू वन अवतार यूजर विजिट इन Odoo 16. तो मैनी टू वन अवतार एंड मैनी टू वन अवतार यूजर विजिट इन Odoo 16 क्या होता है. अब ये देखो, मैं सेल्स पे गया और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ. ये सेल्स पर्सन है तो इसमें सारे यूजर्स हैं. ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ उस पर, एक तो यहाँ पे इमेज शो हो रही है और एक यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मैसेज का पॉपअप यहाँ पे शो हो रहा है. जैसे कि हम व्हाट्सएप इंटीग्रेशन करते हैं तो अगर हम व्हाट्सएप पे अगर Odoo पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैसेज का पॉपअप यहाँ पे हमें शो होगा. तो इसी तरह आज हम अपॉइंटमेंट में एक डॉक्टर आईडी और उसको रिलेशन हम मॉडल्स के साथ करेंगे rs.users. ठीक है, क्योंकि देखो rs.users के साथ इसका रिलेशन है. ठीक है, तो अपॉइंटमेंट के साथ भी हम रिलेशन बनाएंगे आज. ठीक है, तो हम जाते हैं पहले appointment.upy पे और यहाँ पे लिखते हैं doctor_id fills dot magnitude one और co-model name quotation में rs.users और string में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे doctor मैंने यहाँ पे ले लिया. ठीक है, इसको करता हूँ सेव. और जो rs.users है वो क्या है मैं आपको दिखाता हूँ अभी. जैसे मैं सेटिंग्स पे जाता हूँ और जो यूज़र्स में है, जितने भी सारे यूज़र्स में हमारे अभी यूज़र्स हैं वो हमारे किस में शो होंगे, अपॉइंटमेंट, क्योंकि हमने इसमें मैनी टू वन का रिलेशन यहाँ पे बनाया है. ठीक है, देखो ये क्या है, मॉडल का नाम, मॉडल का नेम क्या हमारा, rs.users. ये देखो मॉडल फील्ड है लॉगिन और मॉडल का नाम है rs.users. हमने इसको रिलेशन कराया है appointment.py में. डॉक्टर आईडी की फील्ड हमने वेरिएबल एक फील्ड नेम यहाँ पे दिया और मैनी टू वन रिलेशन हमने किया है rs.users के. तो appointment.view.xml में जाएंगे और यहाँ पे इसको फील्ड नेम डॉक्टर आईडी को यहाँ पे ट्री व्यू में यहाँ पे मेंशन कर देंगे और ऐसे ही हम इसको फॉर्म व्यू में यहाँ पे मेंशन करेंगे. यहाँ पे इसको हमने मेंशन कर दिया, इसको कर देते हैं सेव. अब टर्मिनल के थ्रू से दोबारा रन करेंगे, हमने रन कर दिया. अब एप्स में जाएंगे, अपग्रेड करेंगे, अपग्रेड यहाँ पे हो गया. अपॉइंटमेंट में जाएंगे तो ये डॉक्टर यहाँ पे शो हो गया, लेकिन इसमें अभी तक हमारा कोई भी, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये जितने भी हमारे यूज़र्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं. डेविड पे मैं क्लिक करता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ तो हमारा सेव हो गया. और ERP पे अगर मैं मार्क डेमो पे क्लिक करता हूँ तो ये मार्क डेमो हमारा यहाँ सेव हो गया है. अगर मैं डॉक्टर यहाँ पे जॉय विल्स कर देता हूँ तो ये जॉय विल्स पे यहाँ पे सेव हो गया है. और अगर मैं ERP को सेव करता हूँ माइकल डायमंड पे और ये देखो इस पर हो गया है. लेकिन यहाँ पे जैसे हम सेल्स पे जाते हैं, जैसे हम सेल्स में जाते हैं और यहाँ पे देखो ये इमेज भी शो हो रही है और इस पर क्लिक करते हैं तो ये मैसेज का पॉपअप भी यहाँ पे शो हो रहा है. ठीक है, तो इसी तरह हमें इसमें करना है. तो इसके लिए हम विजिट यूज़ करते हैं. तो ट्री व्यू में जो हमारे डॉक्टर आईडी फील्ड नेम है इसी के साथ हम विजिट यूज़ करेंगे. कोटेशन के अंदर मैनी टू वन अवतार अवतार सेम हम इसको कॉपी करेंगे और फॉर्म व्यू में भी पेस्ट करेंगे और इसको करेंगे सेव. और एप्स में जाएंगे, पहले इसको अपग्रेड करेंगे
अपग्रेड करेंगे, अब देखते हैं क्या चेंज हुआ है। अपॉइंटमेंट में जाएंगे, देखो यहाँ पे इमेज शो हो रही है, देखो जैसे कोटेशन में गए हमारी इमेज शो हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और ये देखो सेल्स में जाता, अगर मैं सेटिंग्स में जाता हूँ हमारे सारे यूजर्स अभी यहाँ पे शो होंगे। देखो डेविड मार्क डेमो हो रही है ये, और ये यहाँ पे रिलेशन हमारा इससे हुआ है। अगर मैं क्रिएट में जाता हूँ, देखो यहाँ पे जो बिल्स का यहाँ पे इमेज शो हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैसेज का पॉपअप यहाँ पे अभी नहीं आ रहा है, शो नहीं हो रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैसेज का पॉपअप यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसी तरह अपॉइंटमेंट में भी शो हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अंडरस्कोर यूज़र, मैनी टू मैनी अंडरस्कोर अवतार अंडरस्कोर यूज़र। अगर हम उसमें भी करेंगे, ट्री व्यू में भी करेंगे अंडरस्कोर यूज़र, इसको देते हैं सेव, और हम ऐप्स में जाएंगे, इसको अपग्रेड करेंगे। अब मैंने किया अपग्रेड, अपॉइंटमेंट में जाएंगे, इसको कर देते हैं एक बार डिलीट एक्शन को। और अब हम देखो इस पे डेबिट पे या इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मैसेज का पॉपअप यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे सेल्स में था। ये देखो सेल्स में यहाँ पे मैसेज का पॉपअप यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो हमने जो रिलेशन बनाया किसके साथ, आरएस डॉट यूजर्स के साथ, और जितने भी यूज़र हैं यहाँ पे शो हो रहे हैं, और किसी यहाँ पे इमेज भी शो हो रही है, और किसी भी डॉक्टर या यूजर्स पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मैसेज का पॉपअप शो हो रहा है, ठीक है। तो आज हमने किया मैनी टू वन अवतार एंड मैनी टू वन अवतार यूजर विजिट इन उड़ू 16। तो आज के लिए इतने ही, ओके।